वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा, जिनके साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड डिप्रेशन विषय पर। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले आप वास्तु प्रिंसिपल्स को जहन में रख करके ये समझा रहे थे कि क्या क्या ऐसे रेमिडियल मेजर्स हैं जिनसे डिप्रेशन को अवॉइड किया जा सकता है। मेडिकल कारण तो जो हम समझते हैं हैं ही, उनके जो सिम्टम्स हैं उन पर भी आपने चर्चा करी। आपने ब्रेक से पहले बताया कि वाटर कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और साथ साथ आपने कहा कि नेचुरल प्लांट्स जो हैं नहीं रखने चाहिए। अब प्लांट्स अलग चीज़ है, फ्लावर्स अलग चीज़ हैं। फ्लावर्स कभी कभी एक हैप्पीनेस ला ले के आते हैं, मुस्कान लेके आते हैं। प्लांट्स को अगर छोड़ दें तो फ्लावर्स रख सकते हैं क्या, वो भी आर्टिफिशियली हो तो अच्छा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फ्लावर की जो लाइफ होती है वो भी बहुत ही कम होती है। जी बिल्कुल। तो अगर घर के अंदर आप इतने कॉन्शियस हो कि आपने एक दो दिन के लिए फ्लावर रखे, जैसे फ्रूट और फ्लावर डिप्रेशन के लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो एवरी डे वहाँ पे फ्रेश फ्लावर को रखते हैं। आप काफ़ी इस तरह के हॉस्पिटल्स वगैरह में देखेंगे कि जहाँ पे डिप्रेशन के मरीजों को रखा जाता है, तो उसमें ज़्यादातर इस तरह की पहचाने कि एवरी डे उनके बेड के पास उनको फ्रेश फ्लावर रखा जाता है। लेकिन वो फ्रेश फ्लावर अगर उस दिन के लिए हो तो ही अच्छा है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उसकी ड्यूरेबिलिटी दो दिन की हो वहाँ तक। लेकिन बाद में अगर वो मुरझा के होते हैं तो डिप्रेशन के मरीज जब उसको लगातार देखते हैं तो उनको अपना चेहरा उसमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन वाले लोगों की खासियत ये होती है कि जैसे आप किसी भी बिजनेस टाइकून के साथ बिलीव करते हो तो आपको वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उसी तरीके से डिप्रेशन के मरीज को नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। वो नेगेटिविटी कहीं से भी ढूंढ के उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो इंटरनल या उनकी जो सोच समझ की जो सिस्टम है वो अपने आप में जो पॉजिटिविटी की ओर जाने की भावना जो इंटरनल पैदा होती थी उसको वो ख़त्म कर देती है। अमेरिका में 99% से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी को बुखार आ जाएगा, वो घर में बैठा रहेगा। कुछ लोगों को जॉब के टेंशन की वजह से, कुछ लोगों को जॉब में प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से, कुछ लोगों को अपनी मैरिज लाइफ में कई तरह के प्रॉब्लम होने, बहुत सारी वजह हो सकती है। कई बार कुछ स्टूडेंट को लगातार मेहनत करने के बाद जो उनके एक्सपेक्टेशन जो रिजल्ट की ओर वो भागते हैं, और अगर उसमें थोड़ी देर तक वो रिजल्ट नहीं आता है तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो एक जैसे हमने बात दिशाओं के साथ कलर्स वगैरह के बारे में की, उसके साथ साथ वास्तु ये कहता है कि कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका पैदाइशी चार्ट जो होता है वो नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी का होता है। वाटर ग्रुप पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं उनके साथ जब हम काम करते हैं और जब हम घर में देखते हैं कि वाइफ का चार्ट है, बेटे का चार्ट है, बेटी का चार्ट है, तो हमें ये बात पता चलती है कि इस लड़के को या इनको देर सवेरे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ हद तक तो डिप्रेशन आएगा ही। पल्लवी जी, एक चीज़ को समझना, वैसे तो ये सवाल साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक के लिए, लेकिन इमोशनल होना और डिप्रेशन में होना ये दो अलग अलग बातें हैं। कई लोग बहुत भावुक होते हैं, अब भावुकता को आप डिप्रेशन नहीं कह सकते या डिप्रेशन को आप भावुकता नहीं कह सकते, ये चीज़ को भी समझना मेरे ख्याल थोड़ा। लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि और उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले, उसकी वजह से आप, तो उसका एक पहलू वो भी हो सकता है कि इमोशनल आदमी जो इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि हर आदमी आपकी फीलिंग को नहीं समझ सकता और आपको दुनिया के साथ जूझना है, तो हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन कई बार गलत हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो रिजल्ट आने वाला हो और आप पहले से ही एक्सपेक्ट करके बैठे हो और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो उससे आप डिप्रेशन में तब तक चले जाओगे। तो जैसे बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उतनी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो कई बार अभी आज के ज़माने में अमेरिका में सारी चीज़ फास्ट मोशन में चलती है, सब कुछ फास्ट है, हर आदमी को बिलियनर बहुत जल्दी बनना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कोशिश है बिलियनर बनने की। हर एक को ऐसा है कि अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो पहली डिमांड है ज्यादा। अच्छी वाइफ ही क्या, अच्छी वाइफ को भी तो अच्छा हस्बैंड लाइफ चाहिए, दोनों ओर से है, मैं आपको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगी, अच्छा हस्बैंड भी लोग मांगते हैं और काफी सुलझा हुआ, समझदार, इस तरह की भावना लोगों की होती है। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन हमेशा सामने की ओर से होता है। अब जैसे अच्छा हस्बैंड चाहिए तो फिर अच्छी वाइफ भी तो बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग अपनी ओर नहीं देखते, लोग ये सोचते कि मुझे सामने वाला ऐसा मिल जाए, चाहे मैं जैसा भी हूँ, मैं चेंज नहीं हूँगा, लेकिन मुझे जो आदमी मिले वो परफेक्ट होना चाहिए। तो हम हमेशा परफेक्शन जो है वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कभी ये सेल्फ को जस्टिफाई नहीं करते कि उस परफेक्शन के लिए हम कैपेबल है कि नहीं। जी जी।
तो वास्तु ये कहता है कि कई बार आपके एक्सपेक्टेशन हायर हो, आप उतने तक वेट नहीं कर रहे हो, आप अपने रिलेशन से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, बहुत सारी वजह हो सकती है डिप्रेशन की। मैंने यहाँ तक देखा है कि कई बार एक परिवार में, जैसे आपने इमोशनल की बात की, मैं उसके लिए आपको एक बात कहना चाहूँगी, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। नॉर्थ कैरोलिना में एक फैमिली थी, उनको कुछ इमिग्रेशन के इशू थे, बहुत टाइम से वो यहाँ पे थे और सब कुछ उनका लीगल आना जाना सब कुछ सही था, लेकिन किसी वजह से लेट हो रहा था। तो बच्चों ने यहाँ पे पढ़ाई की, उनकी शादी हो गई, बच्चों की वजह से इमिग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और पिता की और डॉटर के बीच में एक ऐसी क्लोज, दोनों बेटियाँ थी उनकी, तो उनके बीच में वो इतने नज़दीक एक दूसरे से आ गए कि एक दूसरे के बिना, मतलब ऐसा हो गया कि पिताजी की आंखें भर आई कि भाई मेरी बेटी की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी इतने सालों से रुकी हुई थी वो चल पड़ी। वो इतने ज़्यादा अपनी बेटी की लाइफ में इन्वॉल्व हो गए, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि बार बार पे उसको बुलाने लगे, हर बात उसके साथ शेयर करने लगे। उन्होंने देर सवेरे ऐसा एटमोसफियर क्रिएट कर दिया कि वो अपने इन-लॉज, अपने हस्बैंड तक उसको सेपरेट करने की कोशिश की गई, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, क्योंकि वो इतने नज़दीक आ गए। तो उसके हस्बैंड को थोड़ा ये बॉदर करता था कि ये परिवार से डिस्टेंस सही था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैलिफोर्निया मूव हो जाएंगे। तो उनके दामाद का मेरे को कॉल आया, उन्होंने कहा कि मेरे को कैलिफोर्निया मूव होना है। तो मैंने उनको कहा कि आप तो आईटी के पर्सन हो, यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, आप कैलिफोर्निया क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि आपके इन-लॉज तो बहुत कनेक्टेड है उनके साथ। तो उन्होंने मेरे को शांति से एक बात बताई, उन्होंने कहा कि आप मेरी इन-लॉज की वजह से मुझे मिले हो, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप मेरी बात को समझ पाओगे। उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को शायद ब्रेक कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह रिश्ता ज़्यादा नहीं टिकेगा, मैं ये लास्ट चांस लेना चाहता हूँ, अगर कैलिफोर्निया के बाद भी ये नहीं बना तो मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। तो कई बार जब हम अच्छे खासे लोगों से प्यार से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो लोग अपना रोष अंदर दबा के रखते हैं, सामने नहीं निकालते, तो पता नहीं चलता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल के बाद बहुत आत्मीयता के बाद कई बार लोगों को नुकसान होता है। उस लड़की का ऑलरेडी डिप्रेशन का चार्ट था, वो मुझे पहले पता था। जब उनके दामाद की बात सुनी तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई थी। तो मैंने उनके पेरेंट्स को ये तो नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि उनके लिए वो डाइजेस्ट करना मुश्किल था और शायद घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, इसलिए ये तो नहीं कहा, बट ये बताया कि कैलिफोर्निया इस लड़की के लिए मूव होना बहुत ज़रूरी है, आप उसको जाने दो। और डाउट तो मुझे था कि ये लड़की का डिप्रेशन का चार्ट है। जब वो लोग कैलिफोर्निया मूव हो गए, तब मैंने इसके पेरेंट्स को एक बार समझाने की कोशिश की कि आपने बेटी को ससुराल भेज दिया है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, उसको अपने तरीके से आगे पढ़ने दो। लेकिन फादर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, उनको अपनी बेटी के बिना रहा नहीं जाता था। अब उन्होंने क्या किया था कि सारे बिजनेस में बेटी का नाम डाल दिया था ताकि उनके साथ बात करने का बहाना मिले। तो फिर उन्होंने ऑल एक्सक्यूज क्रिएट किया कि अब एक काम कर, तू कैलिफोर्निया में मॉडल ढूंढ, मैं उधर आता हूँ। बात बदल गई, आखिरकार वो वहाँ पे पहुँच ही गए और उन्होंने उस घर को ऑलरेडी बहुत हद तक परेशान कर दिया। लड़की घर वापस आ गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। लड़का बहुत समझदार था, उसने दूसरी शादी नहीं की थी, वो सिर्फ इनको ये समझाना चाहता था कि मुझे अपनी वाइफ के साथ जीने दो जी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप जाने अनजाने में किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव करते हो और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, जो एक रिलेशनशिप की लिमिटेशन से बाहर हो, तो आप किसी की ज़िंदगी ख़राब भी कर सकते हो जी। कहीं ना कहीं आप पल्लवी जी नॉर्थ पर्सनालिटी के व्यक्तियों की बात कर रहे थे, आपने कहा कि उनमें यिंग यांग बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटी के लोग हैं जिनको ख़ास तौर पर डिप्रेशन को लेकर के सतर्क रहना चाहिए? नॉर्थ लोग के पर्सनालिटी के लोगों के बारे में तो आपने कहा, क्योंकि वो भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। वास्तु के अनुसार नॉर्थ ग्रुप की पर्सनालिटी के लोगों को जो डिप्रेशन आती है, उसमें जो बाय बर्थ अगर वो प्रॉब्लम ना हो, तो ज़्यादातर जो वजह होती है वो रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन आती है, जो शादी ब्याह की हो सकती है, बच्चों की वजह से हो सकती है, पेरेंट्स में फादर कुछ इस तरह के और बच्चे बचपन से इस तरह की परेशानी देख के बड़े होते हो, वो एक वजह हो सकती है। लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार मैंने ये देखा हुआ है कि ज़्यादातर नॉर्थ ग्रुप के लोगों की परेशानी की वजह रिलेशनशिप से क्रिएट होती है। कई बार कुछ लोगों को बच्चों से रिलेटेड परेशानी होती है और काफ़ी देर तक बच्चे नहीं होते, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन उनको आ जाता है जी। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट को वास्तु में बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन लोगों ने आज तक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के जो बेनिफिट है उसके ऊपर डिस्कशन किया है, और नॉर्थ ईस्ट बेनिफिट के जो नुकसान है, जो नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं होने की वजह से वास्तु दोष होते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया है, वो बात डायरेक्शन की है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट ग्रुप की पर्सनालिटी के लोगों के ऊपर आज तक लोगों ने ज़्यादा बातें नहीं सुनी। आप कभी ये मत समझना कि जो आदमी नॉर्थ ईस्ट
ग्रुप का होता है वो हमेशा धनवान होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद ब्रेन मैच्योरिटी एंड फाइनेंस रिलेटेड दिशा है, या नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के लोग जो लोग होते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट पर्सनालिटी का जो आदमी होता है या जो कोई भी तरह के मेल या फीमेल या बच्चे होते हैं, उसमें 50% जो एलिमेंट होता है वो नॉर्थ का होता है और 50% एलिमेंट जो होता है वो ईस्ट का होता है। तो नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो लोगों के अंदर वो थोड़े ज़्यादा भावुक होते हैं। ज़्यादातर बिजनेस डिसीजन और फैमिली लाइफ के डिसीजन वो हमेशा दिमाग से नहीं लेते हैं, दिल से लेते हैं जी। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कई बार रिलेशनशिप में फ्रॉड हो जाता है, बिजनेस में बहुत बार वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं और कोई ना कोई उनके पास फाइनेंशियली लॉस करवा के, पार्टनरशिप में लॉस या कुछ भी तरह के, फैमिली के अंदर पैसा दिया और वहाँ से रिश्तों में डिस्टर्बेंस हुआ और वहाँ से लॉस। लेकिन देर सवेरे नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के लोगों को फाइनेंशियली लॉस की वजह से डिप्रेशन हमेशा पूरी ज़िंदगी के दौरान एक बार होता ही होता है। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी की ओर से। आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड डिप्रेशन विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आते ही हम पल्लवी जी से पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर इस विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई लाइफस्टाइल और आसपास के रखरखाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार वास्तु एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हो। जरूरत है सिर्फ उसे समझने की। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिल सकता है। घर और बिजनेस की पोजीशन, दिशाएं, पॉजिटिव एनर्जी, आसपास की सजावट आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। For any Vastu related queries, contact us at 123vastu@gmail.com along with your family name, date of birth, address and house plan. You can also visit us at Vastu Feng Shui World.